सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर विच वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो है, हमने इससे पहली बारी क्लास में बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था अबाउट थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. बेसिकली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस. कैन एनीबडी टेल मी वॉट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? Just for a quick recapitulation, how much you understood the concept? What is economic activity? आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? मैम, दोज एक्टिविटी विच गेट्स अस इनकम एंड मेक्स अस सेल्फ डिपेंडेंट. ओके, वेरी गुड वीना, शी हैज गिवन अ वेरी गुड आंसर. दैट इकोनॉमी बेसिकली मीन्स मनी. अगर आपको कुछ भी ना समझ में, तो इतना समझ लो आर्थिक और इकोनॉमिक मीन्स इट इज रिलेटेड टू इनकम, मनी. So all the activities which generates income for us and it helps to sustain our life, it helps to fulfill our needs and requirements, then those activities are known as economic activities. And then I had given you comparison about your studies and teaching process, टीचिंग एज ए प्रोफेशन. सो आपको पता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग एनी थिंग, वेयर एज आई एम अर्निंग, आई एम गेटिंग सैलरी फ्रॉम वट एवर आई एम टीचिंग टू यू. सो इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. एंड 14 ईयर्स तक जो है आपकी एज है भी नहीं पढ़ाई करने के लिए. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, वर्किंग इन इंडस्ट्री और डूइंग एनी थिंग विच जनरेट्स इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. Now, today we are going to study about comparing the three sectors. Now, we have to compare all the sectors. First of all, you know that all the three sectors are interrelated to each other. Primary activities, it provides raw material to the secondary sector. Then, secondary sector makes final product for the consumers. And in turn, secondary sector also provides machines and tools to the primary sector. सो प्राइमरी सेक्टर कच्चा माल प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स. एंड जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उसका तैयार माल बनाता है, मशीन्स बनाता है, इम्प्लीमेंट्स बनाता है. एंड अगेन वो प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करता है क्योंकि जो भी ट्रैक्टर है, चाहे आपके मशीन्स थ्रेशर्स हैं, जो भी आपके बनाते हैं सेकेंडरी सेक्टर, वो एग्रीकल्चर में उसको यूज किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. सो बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर. एंड इनके बीच में जो है लिंक कौन प्रोवाइड करता है? टर्जरी सेक्टर. बिकॉज जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है इन दोनों के बीच में, वो कौन फुलफिल करता है? दैट इज थर्ड सेक्टर, टर्जरी सेक्टर. सो ऑल द सेक्टर्स आर इंटररिलेटेड. नाउ हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? नाउ इन एनी कंट्री ऑल द थ्री सेक्टर्स आर वर्किंग, प्राइमरी ऑल्सो, सेकेंडरी एंड टर्जरी. तो किसी भी देश में ये तीनों सेक्टर्स जो है वो आपको मिलेंगे. ऑल द थ्री सेक्टर्स आर वर्किंग. नाउ इफ वी वॉन्ट टू नो द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सेक्टर, ईच सेक्टर, देन वी हैव टू फॉलो सर्टेन यू नो प्रोसीजर्स एंड देन वी टोटली काउंट द वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर. कि प्राइमरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा हमारी इकोनॉमी में, नेशनल इनकम में, सेकेंडरी सेक्टर का कितना रहा एंड टर्जरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा. तो अब यह क्योंकि इन तीनों ही सेक्टर्स से हम व्यापार भी करते हैं, हमारा ट्रेड भी होता है, इनकम जनरेशन होता है, तो हमें इनका कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली अगर जानना है तो हम क्या किस तरह से करते हैं. अब हम इसको पढ़ते हैं. विद सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क बिकॉज एवरी ईयर सो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ यू नो थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द थ्री सेक्टर्स, कि उसे काउंट करना मुश्किल हो जाता है. नॉट ओनली वुड द टास्क बी इनॉर्मस, यू माइट ऑल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर, इट वोंट मेक सेंस. ठीक है, तो मतलब एक पिन से लेके एक कार और ट्रक को ऐड करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये हम कैसे करेंगे? यू आर राइट इन थिंकिंग सो. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक सजेस्ट दैट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स. सो ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सपोज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर. फॉर दिस पर्पज प्राइमरी सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया ये जानने के लिए हम एक्चुअल नंबर्स नहीं लेंगे कि इस साल कितना टन गेहूं पैदा हुआ है, कितना टन चावल पैदा हुआ है, या कितना पल्सेस है, कितना ऑयल सीड है, कितना क्या है. ये हम चीज़ें कैलकुलेट अगर करने बैठ जाएंगे तो फिर हमारा काम हो चुका. और
क्योंकि हर चीज डिफरेंट है, वीट की वैल्यू, वीट इज डिफरेंट, पल्सेस इज डिफरेंट, है ना। इसमें एग्रीकल्चर में जो है आपका बहुत सारी, ये प्राइमरी सेक्टर में बहुत सारी चीजें आती हैं, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप उनको इंक्लूड करने लग जाओ एक नंबर करके, तो आप नहीं कर पाओगे। सो नंबर्स में, एब्सोल्यूट एक्चुअल नंबर्स में उन्हें जो है ऐड करना मुश्किल हो जाएगा कि एग्रीकल्चर में इस बार इतना टन हुआ है, मिनरल्स इतने क्विंटल हमने जो है निकाला है और इतने क्विंटल बेचा है हमने, है ना, चावल इस बार इतना क्विंटल बेचा है हमने, तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट द एक्चुअल नंबर ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस्ड, वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलराइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आप, मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में कितना गोल्ड है, ठीक है, आपको मुझे गोल्ड बताना है कि कितना है आपके पास। तब आप मुझे, आप जो है, मान लो गवर्नमेंट हमेशा आपसे इनकम टैक्स में पूछती है कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी आपसे पूछा जाता है, तो आप एक एक चीज नहीं बताओगे कि मेरे पास इतने, एक झुमका है, तो मेरे पास एक माला है सोने की, एक मेरे पास ये है, आप ये सब नहीं बताओगे। आप क्या बताते हो, उसकी वैल्यू बताते हो कि इन टर्म्स ऑफ मनी जो भी आपके पास गोल्ड है उसकी वैल्यू क्या है, कि मेरे पास 1 लाख का गोल्ड है, मेरे पास 2 लाख का गोल्ड है ना। तो इस तरह से जो है इसको हम कहते हैं मूल्य। हर प्रोडक्ट की अपनी एक मूल्य होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे कि आपका मोबाइल है, तो मोबाइल की आपकी वैल्यू क्या है, ये आपने 10,000 में खरीदा था, तो वो 10,000 उसकी वैल्यू है, जब आप खरीदने जाओगे तो 10,000 आपने उसको खरीदा था। देन आपके घर में अगर एक कार है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू आप पैसों में निकालोगे, ठीक है, कि इतना जो है इतने पैसे की इसकी वैल्यू है। जब कुछ साल हो जाते हैं तो वैल्यू घट जाती है, तो मतलब पैसा जो है उसका घट गया है। नाउ अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम ये वीट राइस कितने क्विंटल्स में हुआ, कितने नंबर में हुआ, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी सामान इसमें प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी सेक्टर में, उसकी हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स मतलब क्या हो गया, कि जो भी वीट हुआ, राइस हुआ, अगर हमने उसे बेचा है, तो हमने कितने, हमें उससे कितना पैसा मिला है, उसकी वैल्यू क्या है। तो उससे जो जितने भी पैसे हमने अर्न किए हैं, मान लो हमने इस बार मान लो 1 लाख क्विंटल जो है गेहूं हमने किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट किया, बेच दिया, तो उससे जो हमें इनकम मिली है उसको हम ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगी वीट की वैल्यू। या फिर हमने इस साल जो है जितना भी हमने चावल बेच दिया, कहीं भी बेचा हो, चाहे इंटरनली बेचा हो, चाहे एक्सटर्नली बेचा हो, कहीं भी बेचा हो, जब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं मनी टर्म्स में, पैसों के उस टर्म्स में, तब हम जो है हम उसको ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ दैट गुड। सिमिलरली हमने जितना भी खनिज निकाला है जमीन से, उसको जब हम सेल करते हैं, चाहे हम अपने देश में सेल करें, चाहे बाहर सेल करें, तो उसका जब हम पैसे में निकालते हैं कि हमने इतने अमाउंट का इस बार बेचा है, तो वो आपका जो होता है वैल्यू हो जाता है आपका मिनरल्स का। तो जो है हम नंबर्स में ना लेके हम पैसों में निकालते हैं, मनी में निकालते हैं। तो जब हम मनी में निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हो, कहते हैं वैल्यू ऑफ दैट गुड। ठीक है, अब मान लो आपने एक माला पहनी है गोल्ड की, तो उसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 50,000 है या 1 लाख, 1 लाख है, तो वो हमने कैसे बताया, हमने मनी टर्म्स में उसका वैल्यू निकाला है, तो वो उसकी हम वैल्यू कहेंगे। सो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टेकन आउट इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल नंबर्स। सो प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन मान लो इस साल कितना हुआ, मान लो मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक्चुअल नहीं है, मान लो 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये तो बस जस्ट, ये तो कुछ नंबर है नहीं, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। या फिर 100 करोड़ मान लो, 100 करोड़ रुपीज, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने सेकेंडरी सेक्टर का निकाला कि सेकेंडरी सेक्टर में इस बार कितनी मशीन्स बनी है, कितनी कार बनी है, कितना कितना उसको हमने सेल किया, और सेल करके हमें कितने पैसे मिले हैं टोटल सेकेंडरी सेक्टर से। जितनी भी देखो कंपनीज काम करती हैं, सब अपना रिकॉर्ड रखती हैं, और गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा जाता है कि हमने फॉरेन कंट्री में कितना जो है मशीन्स बेची हैं, या फिर हमने जो भी हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं। सिर्फ मशीन्स नहीं, जितना भी आपका ब्रेड, बटर, पनीर, आप बिस्किट ले लो, पिकल्स ले लो, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हो, सब के सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो जितनी भी चीज़ें मतलब बिकती है, सोचो रोज डेली आप कितना ब्रेड एक ग्रोसरी शॉप बेचता होगा, या फिर टॉफी है, ये सब तैयार माल है, फर्नीचर है, बेड है, ये जितनी भी चीजें हैं, तो जितना भी बेचा गया है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में हो, तो उसकी मनी टर्म्स में जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं। तो मान लो ये 100 करोड़ था, ठीक है, 100 करोड़, तो ये हो गया मान लो आपका 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़, ये भी करोड़ हो गया। फिर
फिर हमने टर्जरी सेक्टर का निकाला. टर्जरी सेक्टर मतलब कि जो भी इस वर्ष ट्रांसपोर्टेशन से, कम्युनिकेशन से, या फिर जो भी हमने बिजनेस वो कोई भी हमने सेवा प्रदान की हो, हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये जितनी भी सेवा प्रदान कर, कम्युनिकेशन है, तो इनसे जो भी हमें इनकम हुई है उसको हम ऐड करेंगे, तो वो आपका टर्जरी सेक्टर में आएगा. सपोज 300 करोड़ आ गया, ठीक है, 3000 करोड़. तो हमने क्या निकाला, करोड़ में निकाला, करोड़ है या फिर जितने भी, मतलब ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है. तो ये जितना भी हमने निकाला ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, और 3000 करोड़ वैल्यू है टर्जरी सेक्टर की. ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है ये हमने एब्सोल्यूट चीजें काउंट. अब हम क्या टर्जरी सेक्टर की हमें वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम क्या ये थोड़ी कैलकुलेट करेंगे कि बस ने कितने चक्कर काटे, या फिर ट्रेन कितनी बार गई है, या फिर फ्लाइट कितना उड़ा है, या हमने ये हमने मोबाइल से एयरटेल ने कितना कमाया है, वोडाफोन ने कितना कमाया, वोडाफोन ने कितनी बार फोन सर्विसेज यूज किए हैं कस्टमर्स ने, है ना. हम तो ये निकालेंगे कि कितना इनकम हुआ है वोडाफोन से. आप जो आपका जियो है, आपने उससे डेटा मांग लिया कि इस साल आपको कितनी इनकम हुई है, फिर आपने जितनी भी कंपनी उससे आपने डेटा मांग लिया कि कितनी इनकम हुई है, ठीक है. उसके बाद आपने जो भी आपके बसेस चलते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे जो भी हो, तो वो आपको पूरा रिकॉर्ड देते हैं. तो उससे आपको टोटल आपको जो है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी पता चल जाता है, और फिर आप जब टोटल कैलकुलेट करते हो तो आपको एक सेक्टर का पता चल जाता है. और जब आप पूरे सेक्टर का प्लस करते हो, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, तब आपको पूरी इकोनॉमी का जो है प्रोडक्शन के बारे में पता चल जाता है कि इस साल हमारी जो इकोनॉमी है उसने कितना अर्न किया है, जिसको हम नेशनल इनकम या ग्रॉस यू नो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. तो ये तीनों को हम प्लस करके ही बता सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में टोटल इनकम कितनी हुई है, और इस तरह से हम एक जो है पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पता लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kgs ऑफ वीट इज सोल्ड एट ₹8 per kg, द वैल्यू ऑफ वीट विल बी ₹80,000, द वैल्यू ऑफ 5,000 coconuts एट ₹10 per coconut विल बी ₹50,000. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने 10,000 kg ऑफ वीट उसको बेचा, और 1 kg गेहूं की कीमत ₹8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ₹80,000. तो इसका मतलब ये 10,000 kg की जो वैल्यू है वो कितनी है, ₹80,000. ठीक है, उसी तरह से 5,000 नारियल हम बेच रहे हैं, और 1 नारियल की जो जो अमाउंट प्राइस है वो ₹10 है, तो टोटल 5,000 का कितना, 5,000 नारियल का जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹50,000. तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ 50,000 इज द वैल्यू ऑफ 5,000 coconuts. ठीक है, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन 3 sectors आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप. तो इससे हमें टोटल पता चल जाता है. इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, इसमें भी एक चीज है, ये तो मैंने आपको एक पूरा जनरल बता दिया, लेकिन अब जैसे हम एक इंडिविजुअल जो एक प्रोडक्ट होता है उसकी हम जो है वैल्यू कैसे निकालेंगे. ठीक है, सपोज आप बिस्किट खाते हो, ठीक है ना. अब जो बिस्किट खा रहे हो तो आप जाते हो तो आपको ₹10 एक पैकेट मिल रहा है. ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स वीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company of for ₹10 per kg. ठीक है, एक फार्मर है, उसने क्या किया, जो भी गेहूं था उसको ₹8 per kg के हिसाब से, जितना भी उसके पास होगा 50 किलो, 1 क्विंटल, ₹8 per kg के हिसाब से उसने एक फ्लोर मिल को बेच दिया, जहाँ पे इसको चक्की में पीसा जाता है. अब उस चक्की मिल ने क्या किया, आटा मिल ने क्या किया, उसको ₹10 per kg के हिसाब से ₹2 बढ़ा के उसको एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेच दिया. तो फार्मर ने ₹8 से बेचा, जो आपका ये फ्लोर मिल है उसने ₹10 per kg पर जो है आटा बेच दिया. अब बिस्किट कंपनी ने क्या किया, उस आटे को यूज किया, उसमें चीनी डाला, ऑयल डाला, और फिर उस पे पैकेट बना के उसके अंदर बिस्किट्स को डालकर उसको सील कर दिया. ठीक है, फिर वो बिस्किट जो है कहाँ जाता है, मार्केट में जाता है, और मान लो इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कंज्यूमर्स फॉर ₹60. ठीक है, मतलब ₹15 पर पैकेट के हिसाब से जो है उसने क्या किया, मार्केट में बेच दिया. एक पैकेट ₹15 का आ रहा है बिस्किट का. बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स दैट इज गुड गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर्स. ठीक है, तो ये जो आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा, फार्मर से गया चक्की के पास, आटा चक्की के पास, आटा चक्की ने दिया ये कंपनी को, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को, बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने फिर फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचाया. तो इन इन सारे ही प्रोसेस में आटा आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है. ठीक है, पहले क्या था, वीट, स्टार्टिंग में वीट था, उसके बाद क्या हुआ, वो फ्लोर में कन्वर्ट हो गया, आटे में कन्वर्ट हो गया, फिर आटे से वो किस में कन्वर्ट हुआ, आपका बिस्किट में.
तो इसमें आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सा है, बिस्किट। ठीक है, तो हमारी जो बिस्किट की वैल्यू होगी वही हमारे जो है सेक्टर में ऐड होगी। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हम व्हीट का जो कॉस्ट है वो नहीं निकालेंगे, ना हम आटे का कॉस्ट निकालेंगे, हम सीधा बस किसका निकालेंगे, बिस्किट का, कि बिस्किट कितने रेट में बेचा गया मार्केट में। 15 रुपए में बेचा गया ना एक पैकेट, तो उसी हिसाब से हम बिस्किट का जो फाइनल रेट है उसको हम निकालेंगे, ना कि हम 8 रुपए यहाँ प्लस करें, फिर हम 10 रुपए यहाँ प्लस करें, फिर 15 रुपए यहाँ प्लस करें, ऐसा नहीं करते हम। ठीक है ना, कि भाई किसान ने 8 रुपए खरीदा तो 8 रुपए ये हो गए, फिर 10 रुपए आटा चक्की ने हमको बेचा तो हम इस पे 8 प्लस 10 हो गया, फिर 15 रुपए का एक पैकेट, तो मतलब आपका 35-40 रुपए का एक पैकेट माना जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इनसे मतलब नहीं कि पीछे वो जो चीजें हैं कितने रुपए में बेची गई। हमें एज ए कंज्यूमर जो हम खरीद रहे हैं मार्केट से, हमें मतलब नहीं है कि हम ब्रेड खरीद रहे हैं तो उसके पीछे उनके पास मैदा कहाँ से आया, फिर मैदा, फिर वो कंपनी ने कितने में खरीदा, फिर वो उसके बाद हमें कितने में मिल रहा। हमें बस मतलब है कि जो ब्रेड हमें 30-40 रुपए का मिल रहा है वो हमें उससे मतलब है, तो वो 30 रुपीज का जो ब्रेड है या 15 रुपए पैकेट जो बिस्किट है हमें उससे मतलब, जो फाइनल कॉस्ट है उसका। तो वही चीज जो है 15 रुपए या 30 रुपए जो ब्रेड का कॉस्ट है वो इकोनॉमी में ऐड होता है, उस सेक्टर में ऐड होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐड होगा, ना कि ये जो पीछे के प्राइस होंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो फाइनल जो प्राइस होता है वो कंज्यूमर्स तक जाता है, और फाइनल गुड्स, ठीक है ना, जो फाइनल गुड होता है उसी की जो वैल्यू है उसको नापा जाता है, ना कि उसके पीछे का जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग में जो उस पर खर्चा हो रहा है उसको नहीं नापा जाता। अब जैसे कार आपने खरीदी, हमें 7 लाख की एक कार हमने खरीद ली, ठीक है ना, अब हमें बस उस 7 लाख से मतलब है, हमें ये मतलब नहीं, हम उसका प्राइस नहीं देंगे कि जो है सरकार ने जो है बहुत पैसे लगा के उसको अंडरग्राउंड से निकाला है, फिर उस खनिज को आयरन एंड स्टील कंपनी ने खरीदा, फिर आयरन एंड स्टील कंपनी ने जो है कुछ पैसे लगा के उसको बेचे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने उस आयरन स्टील, उसमें फिर पहिया डाल लगाया, फिर बहुत सारी चीजें लगा लगा के उसको जो है कंज्यूमर तक उसको जब बेचेगा तो वो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पे बेचेगा, ना कि इस पे नहीं बेचेगा कि सरकार ने कितने पे निकाला तो उसको कितने पे बेचा, फिर स्टील कंपनी के पास कितने में आया, फिर ऑटोमोबाइल कंपनी के पास कितने में आया, उससे कोई मतलब नहीं, पीछे कितना गया उससे मतलब नहीं है। हमें एज ए कंज्यूमर सिर्फ उससे मतलब है जो हमें फाइनल कार मिल रही है। 7 लाख की कार है तो 7 लाख से हमें मतलब है, और जो जब उसका जो कंट्रीब्यूशन जब ऐड होगा इस कार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वो भी 7 लाख ही होगा। ठीक है, बाकी तो देखो वैसे मान लो 7 लाख आपको मिल रहा है तो उसमें जीएसटी मिला के 18% ये सब करके आपको मिलता है, तो मार्केट वैल्यू मान लो 5.5 लाख ही है उस कार की, लेकिन आपको टैक्स वैक्स मिला के सब इसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रोडक्ट जो हम ऐड करते हैं अपने सेक्टर्स में उसका सिर्फ फाइनल गुड का जो प्राइस होता है वही ऐड होता है, उसके पीछे जो प्रोसेस हुआ है उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ एनी गुड इज यूज्ड। तो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसको हम ऐड नहीं करते हैं। अब मान लो एक बिस्किट कंपनी वो कहेगी भाई जो किसान ने आटा 8 रुपए में बेचा है अब मैं उसकी वैल्यू भी प्लस करूंगा, अब जिसने में फ्लोर मिल ने 10 रुपए में मेरे को बेचा है मैं उसकी वैल्यू भी ऐड करूंगा, तो 18 तो ऐसे ही हो गए, फिर वो अपना खुद का मार्जिन लगाएगा, फिर कहेगा 15 रुपए मैं लगा रहा हूँ, तो ऐसे तो आपको एक बिस्किट जो आपको आज 10 रुपए में मिल रहा है वो आपको 20-25 रुपए में मिलेगा, है ना, तो ये गलत सिस्टम होता है। आपको हमें उस चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू होती है उसको हम ऐड नहीं करते हैं, हम ओनली वी ओनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड जो हमारे हाथ में आ रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर सेक्टर जैसे प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी हो गया या टर्जरी हो गया, इन तीनों ही सेक्टर में जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल गुड्स, ठीक है, इसमें भी जो फाइनल गुड है और इसमें भी जो फाइनल गुड है, इनकी जो वैल्यू होती है उसको ऐड किया जाता है। तो मान लो ये फाइनल गुड्स जिस प्राइमरी सेक्टर में जितने भी फाइनल गुड्स थे उनकी जो वैल्यू है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको जब प्लस किया गया तो हमें प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल गया कि टोटल प्राइमरी सेक्टर ने कितना जो है इनकम अर्न की है। सिमिलरली हमने सेकेंडरी सेक्टर में जितनी फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल गुड्स हैं जो बेचे गए, उनका कितने अमाउंट में बेचे गए उसको हम प्लस कर देते हैं। सिमिलरली टर्जरी सेक्टर में जो भी फाइनल सर्विसेज थी, ठीक है, फाइनल सर्विसेज जो भी थी उनको हम प्लस करते हैं तो हमें जो है फाइनल जो है सर्विसेज की वैल्यू मिल जाती है। फिर जब हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी।
ऑफ अ कंट्री एंड इट इज द वैल्यू ऑफ एंड नाउ व्हाट इज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस मीन्स टोटल इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल एंड गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर तो एक साल में एक देश के अंदर जितनी भी चीजें बनी हैं बनाई गई हैं ठीक है उन चीजों चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो उनकी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज तो यहाँ पे ये वर्ड जरूर आप याद रखिए फाइनल गुड्स नॉट ओनली गुड्स बट फाइनल गुड्स तो वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री एक साल के अंदर जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसी को हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज तो अगर आपकी जीडीपी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका जो है समझ लीजिए कि हमारी इकोनॉमी उतनी ही बड़ी है तो अगर हमारी जीडीपी बड़ी होगी तो जीडीपी है क्या हमारे तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है तो जितना वैल्यू में अमाउंट में जीडीपी का जितना होगा जीडीपी क्या है हम कहते हैं कि इस बार हमारी जीडीपी मान लो रही है 20,600 मिलियंस रुपीज ठीक है इससे भी ज्यादा होता है तो जितना ज्यादा हमारा अमाउंट होगा उतना ही ज्यादा हमारी जो है जीडीपी का साइज इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा मतलब हमारी इकोनॉमी मतलब ज्यादा पैसे कमा रहे हैं हम लोग हमारी नेशनल इनकम ज्यादा है ठीक है इन इंडिया द मैमथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री दिस मिनिस्ट्री हेल्प वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर प्राइसेस एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को बोलती है यूनियन टेरिटरीज को बोलती है और जो हमारे जो जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और जो हमारी इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है उसको वो हैंड ओवर करते हैं जहाँ से पूरा जो है जो हमारा इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट वहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन किया जाता है सो इट इज़ ए वेरी मैमथ टास्क सो रिमेंबर वन थिंग देन जब भी हम किसी भी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो इट इज़ ऑलवेज टेकन आउट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है जो कच्चा माल माल होता है उसका हम वैल्यू नहीं लेते हैं बट द फाइनल प्रोडक्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज इज प्लस उसको ऐड किया जाता है तो हमें एक सेक्टर का पता चलता है और जब हम तीनों ही सेक्टर की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड करते हैं देन वी फाइंड आउट द जीडीपी ऑफ द कंट्री तो जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर एक साल में तो उसको हम जीडीपी कहते हैं जीडीपी शोज द साइज ऑफ द इकोनॉमी अगर जीडीपी की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब आपकी इकोनॉमी का साइज जो है वो काफी बड़ा है नाउ हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स अब हमारी जो सेक्टर्स हैं उसमें काफी बदलाव आया है आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट प्राइमरी सेक्टर वॉज द मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर टिल 20 ईयर्स बैक इन इंडिया द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज मेजर इन आर इकोनॉमी और अभी तक वैसे है इसका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन हाउ एवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर सो लंबे समय तक हमारी इकोनॉमी में अगर किसी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है मोस्ट ऑफ द टाइम आजादी के बाद तो वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर ठीक है नाउ ओवर अ लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर्स एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग धीरे धीरे जो है हमारे देश में थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ आयरन एंड आयरन स्मेल्टिंग जो था आजादी से पहले स्टार्ट हो गया था दोज हु हैड अर्लियर वर्क्ड ऑन फार्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन द फैक्ट्रीज कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जो है हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था उससे जो है शिफ्टिंग शुरू हो गई टूवर्ड्स द सेकेंडरी सेक्टर जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है यूरोपियन कंट्रीज में तो हम जो मशीन्स थी जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे देश में भी आई धीरे धीरे और इससे जो है हमारे जो है सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ हुआ those people who were working in the primary sector as laborers they now started coming to the urban area cities and they started working in the industries as a laborer as a worker तो इससे सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होने लग गया उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट हो गई ठीक है और धीरे धीरे जो लोग हैं और प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज फैक्ट्री मेड गुड्स आर चीप एज कम्पेयर टू हैंडमेड प्रोडक्ट्स सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड employment so in india focus totally shifted from primary to secondary sector because the production of secondary sector became more kyunki machine se kaam hone lag gaya aur machine se production zyada hota hai aur jaldi hota hai theek hai
देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई आपके सेकेंडरी सेक्टर में. आपको पता है प्राइमरी सेक्टर इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता है, कृषि में आप कितना करोगे, ठीक है, लेकिन जब एक इंडस्ट्री बनती है, कंपनी बनती है, तो उसमें आपको हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है. वो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ द इंडस्ट्री क्या है. हैंस ओवर ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस. दिस मीन्स दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज्ड. तो स्लोली बट एंड ग्रेजुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड शिफ्टेड टूवर्ड सेकेंडरी सेक्टर. एंड नाउ इट द फोकस द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्जरी सेक्टर इज स्लोली ग्रोइंग इन इंडिया. तो ये शिफ्ट होता जा रहा है. नेक्स्ट आगे देखने क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर्स इन इंडिया. अब हम देखते हैं क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये टर्जरी सेक्टर. आप देखिए 1970 यू कैन सी दिस ग्राफ हियर. दिस इज बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम. नाउ इन दिस यू कैन सी पर्पल कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय टर्जरी सेक्टर, सेकेंडरी विद येलो, प्राइमरी विद ग्रीन. सो इन 1970-71 यू कैन सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज मोर देन एट सेकेंड नंबर वॉज टर्जरी एंड थर्ड प्लेस वॉज सेकेंडरी सेक्टर. बट नाउ स्लोली द इम्पोर्टेंस दिस होल सिनेरियो इज चेंजिंग. नाउ प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूशन है. सेकेंड प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय द सेकेंडरी सेक्टर विद येलो, दिस येलो कलर इज शोइंग. एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड टर्जरी सेक्टर हैज ग्रोन मैनी फोल्ड इन द लास्ट डिकेड. सो टर्जरी सेक्टर हैज शोन अ वेरी यू नो रैपिड इंक्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऑल दीज बैंकिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज हैव ग्रोन एट अ वेरी फास्ट पेस इन इंडिया. अब इसके क्या बहुत सारे रीजन भी हैं. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच सेक्टर हैज द यू नो मोस्ट इम्पॉर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी. तो आपको पता है वो है टर्जरी सेक्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक है. अब आपसे रीजन पूछा जा सकता है कि टर्जरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक क्यों है. तो फर्स्ट रीजन देखिए, आप देख सकते हैं. फर्स्ट रीजन इज इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स. देखो जब से हमें आज़ादी मिली है, हमारी खुद की गवर्नमेंट हमें मिली है, तो गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों का भला करती है, वेलफेयर करती है. सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर रिक्वायर्ड. अगर सेवा डिफरेंट तरह की सेवाएं नहीं होंगी तो एक देश के नागरिक कभी भी खुशहाल नहीं रह सकते. जैसे हॉस्पिटल्स फॉर यू नो फॉर हेल्थ पर्पज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर यू नो मेंटल वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन एंड जो भी पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड. सो इन एनी कंट्री फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऑल दीज सर्विसेज आर रिक्वायर्ड. दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज. ये सब आपकी बेसिक सर्विसेज हैं. इन अ डेवलपिंग कंट्री दैट गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज. सो एक जो विकासशील देश होता है, एक डेवलपिंग देश होता है, वहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं. अभी हमारे नागरिक बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, तो अगर प्राइवेट हाथों में हमें दे दिया ये सारी सर्विसेज, तो क्या होगा, रेट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा और पब्लिक उसको खरीद नहीं पाएगी, उसको यूज़ नहीं कर पाएगी. इसलिए गवर्नमेंट उनको पूरे प्रॉपर रेट पर, सब्सिडी रेट पर लोगों तक प्रोवाइड करती है, ताकि सब उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है. तो दैट्स वाई जो है हमारा जो टर्जरी सेक्टर है उसका बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कर रही है, एंड इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. विदाउट दी सर्विसेज जो है लोग जो है उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. जैसे हमारी जरूरतें इंक्रीज, अब देखिए हमारे पास अमेजोन, मिंत्रा और डिफरेंट ये सर्विसेज हमारे पास जो है, ये सब क्या, ये भी तो सर्विसेज ही है ना, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो. सो ऑल दीज आर सर्विसेज. जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, हमारी जो है उसी तरह से सर्विसेज आपके सामने आती हैं. नाउ सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज. अब देखो किसी, अगर जितना आपके देश में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा, जितना एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा, प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ होगा, उतना ही आपका टर्जरी सेक्टर आपका इंक्रीज होता जाएगा. क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसके लिए, या फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो है वो ये दोनों ही ये सारी सर्विसेज प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को आपस में जोड़ती हैं. आपको कच्चा माल लेकर आना है इंडस्ट्री तक और तैयार माल मार्केट तक बेचना है, तो आप कैसे बेचोगे, अपने सर पे तो लेके जाओगे नहीं. तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी है. तो प्राइमरी सेक्टर हो चाहे आपका सेकेंडरी सेक्टर हो, जितना वो ग्रो करेगा उससे ज़्यादा आपका टर्जरी सेक्टर ग्रो करना ही करना है. क्योंकि विदाउट, देखो कहीं भी जब हम एक इंडस्ट्री बनाते हैं ना,
उस इंडस्ट्री बनाने से पहले हम वहाँ का टर्जरी सेक्टर जो है उसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेहतर है, क्या कम्युनिकेशन फैसिलिटी है यहाँ पर, या फिर क्या यहाँ पे मुझे बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से सब मिलेंगे, क्योंकि जो मेरे वर्कर्स काम करेंगे उनको ये फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, है ना। तो किसी भी कंपनी को बनाने से पहले, इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने से पहले हम वहाँ का ये सारी सर्विसेज देखते हैं। इट मीन्स सर्विसेज यू नो आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द यू नो इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि इसके बिना जो है आपके दोनों सेक्टर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर जितना इंक्रीज हो रहा है उससे ज्यादा आपका टर्जरी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज फैसिलिटीज के बिना आपके दोनों सेक्टर जो है वो कभी भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इन दोनों ही सेक्टर्स में इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। ठीक है, चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, इनका ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। सो देर इज ह्यूज डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज और एंटायर टर्जरी सेक्टर सर्विसेज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसीलिए जो है टर्जरी सेक्टर हमारे देश में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज देर इज ह्यूज डिमांड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर फॉर टर्जरी एक्टिविटीज। थर्ड इज हमारे देश में इनकम लेवल काफी इंक्रीज हुई है। ठीक है, लोगों को जो है अब अच्छा खाना मिल रहा है। अब पहले क्या था, लोग भूखे मरते थे तो हम अदर चीजों के बारे में नहीं सोच पाते थे, हम और चीजें नहीं सोचते थे। ठीक है, लेकिन जब से हमारी इनकम लेवल इंक्रीज हुई है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हुआ है, हमने बाहरी दुनिया के बारे में समझा है, नेट जो आपका यूट्यूब है, जो नेट है, हमने बहुत सारे हमारा जो मीडिया जब से बहुत अच्छा मतलब बेहतर हुआ है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में रहते हैं, है ना। मतलब बाहरी दुनिया जो है हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो हम अब खाने पीने को लेके सोच के साथ साथ हम और डिफरेंट एक्टिविटीज जो है अपनी लाइफ में चाहते हैं, लाइक ईटिंग आउट, बाहर खाना खाने जाना, या टूरिज्म के बारे में आजकल हम बहुत ज्यादा लोग, अब तो इंडियन टूरिज्म छोड़ के लोग फॉरेन कंट्री में भी टूर करने जाते हैं अगर थोड़ा सा भी पैसा आ जाए तो। देन शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो पहले लोग क्योंकि हमारे पास हमारी इनकम नहीं थी तो हम जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, बट एज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैज इंक्रीज, आर परचेजिंग पावर हैज इम्प्रूव्ड, आर स्टैंडर्ड क्या था होता है, लाइफ स्टैंडर्ड, हाँ जो भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव फॉर बेटर। सो नाउ अब हम हट की चीजें सोचते हैं और बेहतर चीजें सोचते हैं। नाउ वी आर सेंडिंग आर चिल्ड्रन टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वी आर सेंडिंग आर व्हेन वी फॉल इल वी यू नो वी ट्राई टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉर बेस्ट सर्विसेज, ऑल्दो दे आर प्राइसेज आर वेरी हाई, बट बिकॉज वी कैन अफोर्ड सो वी आर गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो। देन वी टेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स ऑल्सो। अब हम मोटे हैं तो हमें अपनी अपने पतला होना, तो हम अब पहले तो इतना सोचते नहीं थे कि हम हमें कोई मतलब हम बाहर से कोई मदद लें, लेकिन अब तो हम भाई जो न्यूट्रिशनिस्ट को हम हायर कर लेते हैं, डाइटिशियंस को हायर कर लेते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, जिम जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे पास अनाथ ना पैसे पैसे हैं, हमारे पास मनी है तो हम कर रहे हैं। तो ये जब से हमारी इनकम लेवल इंक्रीज हुई है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा बढ़ा है, तब से हमने जो है बहुत और सारी सर्विसेज का जो है हमने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से टर्जरी सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा है। क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हैं न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, ट्रेनर्स की, चाहे और भी बहुत सारी हैं, सिनेमा हॉल्स की, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, आप अपने आसपास जितनी घूमने फिरने की जो भी सर्विसेज हैं, तो वो सब किस में आती है, टर्जरी सेक्टर में। तो टर्जरी सेक्टर का डिमांड बहुत बढ़ गया है। ओवर द पास्ट डिकेड ऑल्सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब कुछ समय में जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर वो काफी डेवलप हुआ है, जिससे पूरे वर्ल्ड को काफी ज्यादा बूस्टअप मिला है, लोगों को इसमें रोजगार मिला है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये फोर्स जो आपके रीजंस हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग इंपॉर्टेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड शेयर ऑफ टर्जरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट रीजन क्या था आपका, कि किसी भी देश में जो है स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच आर वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर सिटीजन। सो किसी भी देश में जो बेसिक सर्विसेज हैं उनका होना जरूरी है, जो जो कि प्रोवाइड की जाती है, इसलिए टर्जरी सेक्टर जो है इंक्रीज हो रहा है। स्कूल्स हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, ये सब प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। सेकेंड क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इंडिया में काफ़ी डेवलप हो रहा है, और प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर जो है उसके डेवलपमेंट जैसा हो रहा है उसमें, उससे क्या है टर्जरी सेक्टर की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो जितना ज्यादा आपके दो सेक्टर्स और डेवलप करेंगे उतना ही टर्जरी का डिमांड बढ़ता जाएगा। थर्ड, हमारी इनकम लेवल इंक्रीज हुई है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर हुई है, तो हमारी जो रिक्रिएशन की डिमांड है,
घूमने फिरने की डिमांड है, बाहर खाना खाने की डिमांड है, या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की डिमांड जो है वो बढ़ गई है. देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो अलग से एक जो है सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर उभर के आया है, जिसने बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया है इंडियन इकोनॉमी को. तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म होता है. अब नेक्स्ट जो है हम लोग कल कंप्लीट करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि थ्री सेक्टर्स जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकाल के, एंड देन व्हाई द व्हिच सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ, एंड हाउ द इम्पोर्टेंस व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेजरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड. फोर रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए. सो आप इतना जो है इसको आप कर लेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.